लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ मीठा बनाएंगे और मीठे में मुझे खीर स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद है। इसके लिए हम ये आधा कप मैंने चावल लिया है और चावल को अभी धो के मैं कुकर में एक विसल दिलवाऊंगी। तो इसको धो लेते हैं। ये चावल मैंने धो लिए हैं, 3 बार पानी डाल के मैंने इनको धोया है और अब कुकर में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। कुकर मेरा गर्म हो चुका था इसलिए पानी की इसमें डालते हुए आवाज आई है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अच्छे से इनको हिला के अब मैं कुकर बंद कर दूंगी 1 सीटी आने तक बस इसको। पकने देंगे 1 सीटी आने तक। एक सीटी आ गई और मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। बंद कर दिया मैंने। कुकर में 1 सीटी आके निकल गई है इसकी ये भाप। मैंने खोल दिया कुकर और अब इसमें मैं दूध डालूंगी। दूध अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी इसमें। जैसे जैसे ये टाइट होते जाएंगे चावल, जैसे जैसे ज्यादा उबलेंगे ज्यादा टाइट होता जाएगा और मैं इसको हाई मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। आप किसी पतीले में भी डाल सकते हैं। मैंने इसी कुकर में बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इसी में मैंने चावल पकाए थे। इसको चलाना बहुत जरूरी है, अभी लगातार चलाते रहेंगे इसको। इसको चलाते रहेंगे जब तक ये बहुत गाढ़ा नहीं हो जाएगा। चलाना लगातार है इसको, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ऐसे ही चलाना बहुत जरूरी है जब तक चावल और दूध एक जान नहीं हो जाएगा। हम इसको चलाते रहेंगे। ये मैं चला रही हूँ इसको। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया 1 कप मैंने चावल लिए थे। 1 कप चावल में मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और आधा दूध मैंने डाल दिया था पहले ही। जो कुछ बचा हुआ है, जैसे ही हमारी खीर गाढ़ी होती जाएगी मैं इसमें और डालती जाऊंगी। ये 1/2 किलो भी मैंने इसमें और डाल दिया है इसमें और इसको चलाते रहेंगे। आप ढकना चाहें तो थोड़ी देर के लिए ढक भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ढक नहीं रही हूँ क्योंकि हमारा दूध निकलने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको चलाते ही रहूंगी। और चलाते चलाते मैं इसमें ये 1 स्पून मैंने किशमिश ली है ये डाल रही हूँ। और साथ साथ ये काजू। हमारी खीर अभी टाइट हो गई है और इसमें मैं ये 4 मैंने ग्रीन वाली इलायची के बीज निकाल के रखे हैं और ये बीज मैंने अभी इसमें डाल दिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपके पास अगर केसर हो तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने पहले ही डाल दिए थे। अब इसमें मैं ये बचा हुआ दूध है वो डाल रही हूँ। मैंने बचा हुआ दूध भी इसमें डाल दिया और इसको अभी मैं जब तक चलाऊंगी थोड़ा और गाढ़ा जब तक नहीं होता है। फ्लेम अब हम लो मीडियम पे ही रखेंगे। पहले हाई मीडियम थी, अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ और चलाती रहूंगी। ऑलमोस्ट हमारी ये बनके तैयार ही हो गई है, लेकिन थोड़ा सा दूध ये मैंने और डाला है ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाने के तक मैं इसको हिलाती रहूंगी। ढकना नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ इसको ढकना नहीं है। ढकते ही ये दूध निकल जाएगा, आपका सारा फैल जाएगा इधर से, इसलिए खीर को चलाते रहना चाहिए। हमारी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। जिसे
चावल हमने लिए थे उतनी मैंने चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। अब चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा ये हमारी पतली हो जाएगी खीर। बहुत अच्छे से हमारा सारा दूध इसमें मिक्स हो गया, पूरा 1.5 किलो दूध इसमें लग गया मेरा। आप लोग अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चावल भी और दूध भी। चीनी डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसको और पका लिया और अब खीर हमारी बन के तैयार है। मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। खूब अच्छे से चावल इसमें मिक्स हो गए, खीर अच्छी बन गई है। इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको अभी मैं ढक के रख दूंगी। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है खीर हमारी, तो इसको अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। खीर हमारी बनके तैयार हो गई, मैंने ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दिया। आप लोग भी जरूर बनाइए, खाइए और हमें बताइए आप लोगों को कैसी लगी। और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।